तो नमस्कार भाइयों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस छोटे से YouTube परिवार में। तो आज का जो सेशन है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का जो नीवी का PDF है उसका रिवीजन कराते हुए है। तो आज के इस नए सेशन को शुरू करने से पहले हम अपने जो विचार हैं, मतलब कहने का मतलब जो सुविचार है दिन का, वो पढ़ना चाहेंगे और आप लोग को सुनाना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। कर्म कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मोरल जो इसका थीम है वो क्या है शब्दों का। तो जो ये कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कर्म कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौटकर एक ना एक दिन जरूर आऊँगा, वो किसी न किसी रूप में वो जरूर आएंगे, कर्म का कहना है ऐसा। तो वो उन लोग को जवाब देंगे जो आपके साथ क्या किए हैं, गलत या कोई धोखा किए हैं। तो इसीलिए कर्म करें, कर्म पे ध्यान दें और अपने धर्म को, धर्म मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम, ये अपना धर्म को ही अपना कर्म मानकर उसको आगे बढ़ाते चले। तो चलिए इन सबको समाप्त करते हुए हम अपने आज नए सेशन को हम अपना शुरू करते हैं। तो हम लोग 164 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे पिछले सेशन में। हम लोग बोल रहा था 164 नंबर क्वेश्चन की वाई द रोटर बार्स आर माउंटेड इन स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन इन थ्री फेज मोटर। मतलब कि जो उसका रोटर बार होता है, रोटर का जो बार होता है, रॉड टाइप का जो तिरछा हम आप लोग को बताए थे दिखाकर, जैसे कि ये आर्मेचर था तो ये तिरछा यहाँ पर रोटर बार बना हुआ था, ठीक ना। तो इसी को बोल रहा था कि ये तिरछा क्यों किया जाता। तो बताए थे कि ये तो एक कोगिंग से बचने के लिए जो एक ही मतलब कि तुरंत क्या करता है, मोटर को एक तरीके से ब्लॉक कर देता है, और एक क्रवलिंग होता है जो मोटर को धीरे 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 गति पे चलने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसी को एक एडवांस तरीका से ऑप्शन आपको बना दिया और बोला गया कि प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। मतलब कि बढ़िया से टॉर्क को फैलाना, बढ़िया से ये यूनिफॉर्म तरीका से मतलब क्या करना, फील्ड फ्लक्स को क्या करना, फैलाना, ताकि जो टॉर्क है वो क्या हो पाए, बढ़िया बन पाए। तो 164 नंबर हम लोग कर चुके थे 164 नंबर तक। आज का जो पहला मतलब कि आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है वो 165 नंबर था। बोल रहा था कि विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बोल रहा है कि नो लोड टेस्ट, यानी कि नो लोड टेस्ट करने का मतलब एक तरीका समझना है कि बिना लोड पे, मतलब कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग चलाएं, अगर मोटर को वैसे चलाएं तो हम लोग का कौन सा लॉस वहां पर होगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में या फिर फुल लोड टेस्ट में, ब्लॉक रोटर को ही क्या कर रहे थे वहां पर, फुल लोड टेस्ट कर रहे थे। तो उस समय अगर हम लोग चलाएंगे तो वो बेफिजूल का हुआ, मतलब कि अगर हम लोग उसका शाफ्ट को पकड़े हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं, तो बेफिजूल का उसका आर्मेचर अंदर में घूम रहा है, तो आर्मेचर में क्या हुआ रहता है, वाइंडिंग, और वाइंडिंग के कारण क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। ये बता चुके थे पिछले सेशन में। और इस वाले सेशन में क्या क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये बिना मतलब कैसे ही चलाए हुए हैं बिना लोड का, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय यांत्रिक क्षति होगी। कहने का मतलब है कि बिना मतलब का चल रहा है उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पर ये ध्यान देना है कॉपर लॉस नहीं होगा क्योंकि वो तो फ्री है भाई, वो नॉर्मल जो चलना चाहिए वो चल रहा है। तो यहाँ पर हो आखिर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका ठीक आंसर, आयरन लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन लॉस। ये बात समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों, तो ये ध्यान में रखना है। नो लोड टेस्ट कहने का मतलब क्या बोलेगा, नो लोड टेस्ट कहने का मतलब कि फ्री चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यांत्रिकी लॉस होगा, यानी कि मतलब आयरन लॉस, उसे समझ लेना, ठीक ना, लॉजिक से एक। और एक फुल लोड टेस्ट जिसको ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, मेरा कॉपर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस, क्योंकि ये वाइंडिंग में होता है, तो ये कॉपर, ये ध्यान देना है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का दूसरा मतलब 166 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन इन थ्री फेज मोटर। देखिए आज का जो कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो समझने मतलब योग्य है, लेकिन समझ में उतना नहीं आएगा, तो उसको अगर दो तीन बार करके हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि उसको समझ में आना ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, वो समझ में आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन बार करके उसको बैक करके जरूर देख लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये हम आप लोग को इसीलिए पहले ही आगाह कर दिए, तो इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग को, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि थ्री कलम मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि केवल दो चर
गति प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि दो वेरिएबल मतलब अलग अलग स्पीड प्राप्त होगा, तो ऐसे कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड है, ठीक ना। तो ये आप लोग को पूरा जब स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़िएगा ना, तो आप लोग को ऑल ओवर समझ में आने लगेगा कि कौन किधर था। तो अभी फिलहाल इसका हम अभी आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हम बता देते हैं। ऑप्शन डी को भी डिफाइन कर देते हैं थोड़ा मोड़ा। जैसे कि बोल रहा है कि बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स करने का मतलब जो स्टेटर जो बनाया हुआ रहता है कोर में, स्टेटर कोर में योक से जो सटा हुआ रहता है योक फ्रेम से, तो वहां पर जो स्टेटर लगा हुआ रहता है उसका जो पोल्स है उसको क्या करना है, चेंज करेंगे अगर उसके पोल्स को, तो ये मेरा क्या होगा वहां पर, दो गो वेरिएबल स्पीड मेरा वहां पर निकलेगा, ठीक ना। उसी से मेरा क्या होता है, स्पीड कंट्रोल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो 167 नंबर आज का चलते हैं क्वेश्चन नंबर में, क्या है देख लेते हैं। व्हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर, कहा जा रहा है कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। अब हम आप लोग को बताए भी थे यहाँ पर, क्या बताए थे कि स्लिपरिंग मोटर को ही क्या कहते हैं, फेज वाउंड मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज वाउंड। तो यही वाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उससे क्यों फिट किया जाता है, तो ये हम आप लोग को बता देते हैं कि ये क्या है ना। जैसे कि एक तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि स्लिपरिंग मोटर में क्या होता है कि इसका रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सेकेंड बस, रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, बढ़ा घटा कर हम लोग स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि इसका फिट क्यों किया जाता है, तो फिट इसलिए किया जाता है ताकि मेरा जो स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क है वो क्या हो, हाई हो। क्या हो, हाई हो। इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, फेज वाउंड बनाया जाता है, ताकि वहां पर अलग अलग जैसे कि फेज बना दिए हैं 3 फेज, तो वहां पर वोल्टेज मेरा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ताकि मेरा वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस टाइप से कुछ को रिलेट करके यहाँ पर ऑप्शन बना दिया है, तो मेरा ठीक आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क रनिंग या रनिंग और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं 168 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम आप लोग को सिंबल बता देते हैं, उसका डायग्राम सर्किट डायग्राम तो बनाना थोड़ा भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, तो हम इसका सिंबल बना देते हैं। ये उसका सिंबल है स्टार डेल्टा का, ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक ना, कि स्टार भी एक ही में बना हुआ रहता है और स्टार मतलब इसी में है और डेल्टा भी क्या है इसी में, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना। तो बोल रहा है कि उसमें टाइमर का क्या मतलब है, सर्किट जो इसमें रहता है, सर्किट तो यहाँ बनाने में पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटा स्क्रीन है, तो हम ऑल ओवर आपको बताते हैं। जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा स्टार्टर है, तो इसमें एक टाइमर लगाया रहता है, क्या रहता है, टाइमर एक लगाया रहता है, ऑटोमेटिक टाइमर रहता है वो, तो उसका काम क्या है वो हम लोग को बोल रहा है। तो वो जो करता है ना, जैसे कि 30 से 40 सेकंड के बाद, जैसे कि अगर हम स्टार्ट किए स्टार्टर को, ठीक है, तो 30 से 40 सेकंड के बाद वो क्या करता है कि जो स्टार में जो कनेक्टेड रहेगा ना उसको डेल्टा में कर देता है, और जो डेल्टा में कनेक्टेड रहता है उसको क्या करता है, स्टार में कर देता है। या फिर आप यही एक चीज को याद रखिएगा, जो जो स्टार में कनेक्टेड रहता है वायरिंग उसको क्या कर देता है, वहां पर डेल्टा में कर देता है कनेक्शन उसको। तो ये हम लोग को यहाँ पर टाइमर का काम है यहाँ पर, तो ये याद रखना है। नहीं अगर याद रहेगा तो छोटा सा नोट्स बना लीजिए, मतलब साइड में लिख लीजिए कहीं पर, याद रहेगा कि टाइमर, जैसे कि एक बार में नहीं याद रहता है वो प्रवृत्ति है, वो घबराना नहीं है, वो आपको ही नहीं सिर्फ सभी को नहीं वैसे याद होता है। तो एक छोटा सा कहीं लिख लीजिए टाइमर का मतलब कि स्टार डेल्टा मतलब कि स्टार्टर में ही यूज होता है टाइमर का, ठीक ना। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है बस, वो क्यों होता है तो बदलने के लिए, तो कितना टाइम बाद बदलता है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिएगा 30 से 40 सेकेंड बाद वो क्या करता है, बदल जाता है। तो चलिए 169 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है कि अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस को कौन मापता है, कौन उसके लिए मतलब कि मीटर उपयोग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगर हो जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछेगा कि मेगर मतलब कि जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है उसका मतलब कि कैसा यूनिट में मापते हैं, मतलब कि ओम में मापते हैं या के ओम में मापते हैं, यानी कि 1000 ओम जिसको कह सकते हैं या मिलियन ओम में, तो इस टाइप से बोलता है। तो हम लोग किस में मापते हैं, मेगा ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं, मेगा ओम मापते हैं या नापते हैं, क्या करते हैं, नापते हैं, मेगा ओम में। ये हम लोग को ध्यान रखना है। पूछ देगा कि मेगर का जो यूनिट है नापने का वो किस में नापता है, तो मेगा ओम में, दक्षता टाइप से बोल सकता है। तो मेगर से इंसुलेशन रेसिस्टेंस नापा जाएगा और किस में, मेगा ओम में। ये दो चीज ध्यान में रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। बीस्ट टेस्ट इज इन वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड। अब बोल रहा है कि वाइंडिंग मतलब कि दिखाया गया है वो कौन सा वाइंडिंग है, ये हम लोग को बताना है। तो देख लेते हैं क्या है।
तो ये मेरा क्या बोल रहा है, पोलैरिटी टेस्ट है ये, तो देख के ही आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो स्लॉट्स बनाया गया है, तो एक स्लॉट्स में एक स्लॉट्स बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारा स्लॉट्स को एक पोल की तरफ रख दिया है, और वहां पर पोल का क्या कर रहा है, वहां पर ध्रुवता का जांच कर रहा है। तो एक तो ये मेरा हो जाएगा पोलैरिटी टेस्ट। एक होता है कि पेचकस वाला मेथड होता है बिहारी लैंग्वेज में पेचकस, जिसको आप स्क्रू ड्राइवर भी कह सकते हैं, कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर भी कह सकते हैं, जिसका 150 mm और 75 mm होता है, ठीक ना, 75 mm या 150 mm का होता है, कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर और एक स्क्रू ड्राइवर जो होता है, तो वो मेथड भी होता है। जैसे कि ये पोल है, और तो ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी एक पोल है, तो ये दोनों को एक स्क्रू ड्राइवर इधर ले लेते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर ऐसे ले लेते हैं, और दोनों को सटा कर देखते हैं, फिर बाद हम लोग को उसी समय क्या पता चल जाता है कि कौन सा एन है या कौन सा एस है, मतलब कि ध्रुवता जांच हो जाता है, कि पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए कि वो सटने लगे आपस में, तो पता चल जाएगा कि वहां पर उसका एक मैकेनिज्म होता है, वो जैसे कि आप अगर उसको फिजिकली करिएगा ना, जैसे कि वहां पर कहने का मतलब है, जैसे कि वो आप प्रैक्टिकली उसको जब करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि वहां पर बताया जाएगा कि अगर वो सटा तो कौन सा ध्रुव आएगा, अगर नहीं सटा तो वो कौन सा वहां पर पोल रहेगा, तो ये होता है। तो अभी फिलहाल इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट हो जाएगा। अब 171 नंबर चलते हैं। व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर, बोल रहा है कि इंडक्शन जो मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट मतलब कि कितना गुना रहता, तो ऐसे तो रहता है 6 से 7 गुना या 7 से 8 गुना बोल सकता है अभी, तो फुल लोड करंट का, ठीक ना, फुल लोड करंट ये ध्यान में रखना। तो अभी फिलहाल मेरा सबसे हाईएस्ट कितना दिया हुआ है, 5 to 6 times दिया हुआ है, तो यही मेरा ठीक आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना आपको, यही इसी के कारण हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि स्टार्टर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो स्टार्टर का उपयोग इसीलिए करते हैं कि जो मोटर में डायरेक्ट मेरा 6 to 7 या 7 to 8 time ऑफ फुल लोड करेंट, मतलब कि 6 से 7 गुना ज्यादा, मतलब जो फुल लोड करेंट का हम लोग ज्यादा पहुंचता है करंट, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, स्टार्टर। तो स्टार्टर का ये डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत लोग को तो स्टार्टर का डिफिनेशन भी नहीं याद होगा, तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने पे ले लेना है कि ये नहीं याद है, वो याद करना जरूरी है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो ये याद बहुत करना जरूरी है, तो 5 to 6 फुल लोड करंट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। और स्टार्टर का डिफिनेशन सुने होंगे आप लोग, या फिर अभी बताएं तो आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो ये याद रखना है कि जो मोटर के पास डायरेक्ट करंट जाता है उसको क्या करता है, वो वोल्टेज ड्रॉप के रूप में गिरा देता है, और फिर वो वोल्टेज मतलब कि करंट क्या होता है वहां पर कम जाता है, वहां पर कंट्रोलित रूप से मतलब कि करंट पहुंचता है मोटर में, ठीक है। तो अभी 172 नंबर हम लोग चलते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन क्या, विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड, बोल रहा है कि स्टेटर साइड से हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का कैसे वहां पर कंट्रोल करते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में दो तरीका से क्या होता है स्पीड कंट्रोल होता है, एक स्टेटर तरफ से होता है, एक रोटर की तरफ से होता है। तो स्टेटर की तरफ से हम आप लोग को बताए थे, याद रखने का तरीका क्या बताया था, कि जैसे कि स्टेटर में होता है सिंक्रोनस स्पीड, तो एनएस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एनएस का फॉर्मूला क्या होता है, 120 f/P होता है, 120 f/P। तो यहाँ पर देखिए P और F है, दो को मतलब कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल दिया जिसको हम लोग बदल सकते हैं, और 120 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो F और P को यहाँ पर बदल के, मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल को बदल के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तो हुआ स्टेटर का बात, और रोटर का बात क्या होगा, रोटर हम आप लोग को एक बताए थे कि 3 फेज स्लिप रिंग मोटर जो था वहां पर, उसमें बताए थे कि एक क्या बताए थे, एक कैस्केड मेथड बताए थे, जो कपलिंग करके दो मोटर को कपलिंग करके जोड़ के वहां पर कैस्केड मेथड किया जा रहा है। उसका अगला मतलब कि क्वेश्चन में उसका आएगा, आगे उसका क्वेश्चन है, दिखाया जाएगा उसका पिक्चर डायग्राम, वो देख लीजिएगा वहां पर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या था, चलिए वो सब को छोड़कर यहाँ पर अभी फिलहाल देखते हैं। स्टेटर में मतलब ये दोनों हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, पोल को और फ्रीक्वेंसी को बदल के। एक और होता है वो आप लोग नहीं याद रखिएगा अभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से आप लोग को याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और पोल स्टेटर साइड से, अब रोटर साइड से दो चीज याद रखिएगा, एक रेसिस्टेंस को, आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है रोटर का, उसको बढ़ाकर घटाकर, या फिर कैस्केड मेथड को, दोनों का दो दो याद रखिए, होता तो और है 3-3, 4-4, लेकिन याद करने का उतना जरूरत नहीं है, दो दो याद कर लीजिएगा बहुत है। तो स्टेटर साइड से कौन सा, एफ और पी, फ्रीक्वेंसी और पोल को बदलकर, और रोटर साइड से कौन सा हो जाएगा मेरा, कैस्केड मेथड हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा मेरा, रोटर रेसिस्टेंस बदलकर, ये ध्यान में रहेगा ना। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, स्टेटर साइड से बोल रहा है, तो आप लोग पढ़ के इसका कमेंट में जरूर दीजिएगा, मतलब इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट में जरूर देना है, हमसे पहले लिख दीजिए जाकर अभी तुरंत। अभी हम इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को क्या है। देखिए यहाँ पर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, और ऐसा आप लोग को नहीं दिया, देखिए यहाँ रिहोस्टेट दिया हुआ और कैस्केड दिया हुआ, ये दोनों किसमें यूज होगा आपको,
रोटर साइड में होगा, और ईएमएफ भी क्या होता है, इंजेक्टिंग ईएमएफ भी रोटर साइड में, इसलिए हम आप लोग को नहीं बताते। अब थोड़ा अजीब टाइप से नाम है तो आप लोग याद नहीं हो पाता, इसलिए हम ये दोनों ही सिर्फ बताए। अब ये दोनों भी याद रहेगा रोटर साइड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिएगा आप लोग। और फ्रीक्वेंसी किसमें होगा, स्टेटर साइड से, तो ये मेरा ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बोल रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कौन सा है ये बताना है, पिक्चर को देख के बताना है। तो हम अभी आप लोग को बताए थे कि इसका अगला क्वेश्चन में आएगा, तो ये कैस्केड मेथड है, कौन सा मेथड है, कैस्केड मेथड है, देखिए यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का रोटर को क्या किया, शाफ्ट को कपलिंग कर दिया और एक साइड से ब्लॉक कर दिया है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा। ऐसा अगर कहीं आप देखते हैं क्वेश्चन में तो उसको हम लोग को मार देना है क्या, कैस्केड। यहाँ रेसिस्टेंस को तो बदल नहीं रहा, रिओस्टेट को तो बदल नहीं रहा, रेसिस्टेंस को बदलता तो यहाँ पर रेसिस्टेंस दे देता और फिर यहाँ पर से शिफ्टिंग वाला दे देता, तो ये तो है नहीं, यहाँ पर वोल्टेज मेथड भी नहीं है, वोल्टेज का यहाँ पर चेंजिंग कुछ नहीं दिख रहा, इंजेक्टिंग ईएमएफ का भी यहाँ पर पिक्चर है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैस्केड ऑपरेशन दिख रहा है, तो मेरा ठीक आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए 174 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 174 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विथ अ थ्री फेज मोटर स्टार्टर है, ठीक है ना, मोटर स्टार्टर को बोल रहा है कि ये बताना है आप लोगों को। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, तीन कलप मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट कौन कौन सा है ये बताना, मतलब कि थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है तो उसके साथ कौन कौन सा, मतलब उसके स्टार्टर के साथ कौन कौन सा उसका अथी ये बताना है आप लोगों को। तो ये देखिए, ये याद कर लीजिएगा, इसमें बड़ा चीज है, ये बड़ा चीज है, हम तो पहले हमेशा छोटे छोटे बोलते थे, ये हल्का सा बड़ा है, तो इसको याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो होता है वो क्या बोलता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है, तो यही दो चीज को यहाँ पर क्या करता है वो उसमें शामिल रहता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना है सर्किट में स्टेटर का, तो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये याद रखना है, शानदार सवाल है ये, ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए 175 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ, बताने वाला नहीं था इसलिए उसमें नहीं बताया, ये ध्यान में रखिएगा, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदराइड पेपर इंसुलेशन, बोल रहा है कि लेदराइड पेपर का इंसुलेशन का जो मुख्य गुण है वो कौन सा, तो लेदराइड पेपर हम आप लोग को बताए थे वो क्या है, लेदराइड पेपर हम आप लोग को बताए थे, याद रखिए, अगर नहीं याद है या फिर नहीं अगर ध्यान में आ रहा है तो हम देखिए यहाँ पर बता देते, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, मतलब कि वहां पर लेदराइड पेपर का वहां पर काम क्या होता था वाइंडिंग में, कि वहां पर वो क्या करता था, उसका जो एजिंग रहता था, एजिंग करने का मतलब जो उसका लाइफ सिस्टम करे, मतलब कि उसका जो उम्र रहता था, जैसे कि वहां पर 1 साल 2 साल 3 साल उसका जो उम्र है बढ़िया चल जाता था वो, और उसका परावैद्युत जो शक्ति डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे कि उसमें कोई अगर हम विद्युत को अगर वो करें प्रवाहित करें तो वह वहां पर क्या होगा, उसका बढ़िया स्ट्रेंथ है उसका, तो इसीलिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, ठीक ना। तो 176 की ओर चलते हैं, तब तक हम लोग 176 नंबर देख लेते हैं क्या, विच टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज सिलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कॉइल एंड ओवरहैंग्स, बोल रहा है कि कौन सा, मतलब कि यहाँ पर बढ़िया होगा बाइंडिंग करने के लिए या फिर ओवरहैंग को, ठीक ना, मतलब ओवरहैंग जैसे कि बताए थे आप लोग को, कि बताए नहीं थे, देख लीजिए क्या, ये जैसे कि मान लीजिए ये रोटर है, ठीक ना, तो रोटर है, इस पे वाइंडिंग किए हुए, यहाँ पर क्या किया हुआ है, वाइंडिंग किया हुआ, तो ये पीछे का जो साइड होता है यहाँ पर कुछ वायर जो होता है बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, तो यही इसी को क्या कहते हैं, ओवरहैंग कहते हैं, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। कॉइल आप लोग जान ही रहे हैं कि वाइंडिंग का जो कंडक्टर है उससे दो कंडक्टर मिलेगा तो एक टर्न बनेगा, दो टर्न मिलकर बनाएगा तो एक कॉइल बन जाएगा, और दो कॉइल बनेगा, दो कॉइल को अगर मिला के एक साइड बनता है, ठीक ना, तो ये ध्यान में रखना। तो एक कॉइल समझ में आ गया, ओवरहैंग समझ में आ गया, पीछे जो वाइंडिंग में बच जाता है बैक साइड में उसी को क्या कहते हैं, ओवरहैंग कहते हैं। वहां पर कोई मतलब कि वहां पर कोई विद्युत धारा नहीं रहता है कि उसको आप छू दीजिएगा तो आपको करंट मार देगा, तो वहां पर कोई वैसा नहीं रहता, वो पूरा कॉपर इनामेल्ड जो बताया गया, कॉपर इनामेल्ड जो वहां पर नहीं बताया गया है सुपर इनामेल्ड, वही वायर यूज रहता है, इसलिए नहीं होता है वहां पर कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, टेरेलिन जो है, टेरेलिन थ्रेड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेरेलिन थ्रेड हो जाएगा, इसी टेरेलिन थ्रेड से ही क्या किया जाता है, वहां पर ओवरहैंग को बांध दिया जाता है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि सामग्री को इंसुलेटिंग करने के लिए, तो टेरेलिन थ्रेड से यहाँ पर क्या किया जाता है, वहां पर बांध दिया जाता है। और कॉटन स्लिप्स के यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि वाइंडिंग करके और जो हम लोग निकालते हैं फेज अंदर से, दो तार या तीन तार जो भी है वहां पर से हम लोग निकालते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग रहेगा तो तीन तार निकलेगा अंदर से, तो उसके ऊपर से जो स्लिप्स चढ़ाया रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉटन का जो एक तरीका से टेप टाइप से, टेप नहीं रहता, जैसे कि कैसे मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए ईयरफोन है ये, तो इसके अंदर वायर है, इसके ऊपर से हम लोग, तो ये तो हार्ड है, प्लस में ये क्या है, पूरा ये कंजस्टेड, ये चिपका हुआ है उसे वायर से, लेकिन वो वैसा नहीं रहता, वो ऊपर से स्लिप टाइप से रहता है, ऊपर से सिर्फ कवर रहता है एक तरीका से, ठीक ना, खोल टाइप के आप जिसको कह सकते हैं बिहारी लैंग्वेज में, तो वो हो जाएगा कॉटन स्लिप्स। और आप फिलहाल एम्पायर स्लिप्स भी उसी तरीका से रहता है,
स्लीव्स वही है, एम्पायर एक अलग तरीका के, वो क्या हो गया जैसे यहाँ कॉटन है, यहाँ पर एम्पायर है, और फाइबर ग्लास टेप रहता है, मतलब कि एक तरीका से फाइबर ग्लास टाइप से वहाँ क्या रहता है, टेप रहता है, तो ये यूज नहीं होता है, मेरा टेरेलिन थ्रेड ही यूज होता है। तो आज के लिए बस हम लोग 176 नंबर ही तक क्वेश्चन रखते हैं, अगले दिन हम लोग क्या करेंगे 176 के बाद 177 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।